संघवी जी का है और इन्होंने जानना चाहा है कि, चलिए पहले तो उन्होंने आपकी प्रशंसा की है सुमेश, कि आप एक बेहतर गाइडेंस दे रहे हैं, और इनका सवाल है केईसी इंटरनेशनल के बारे में, क्या ये लंबे अवधि के लिए बेहतर निवेश होगा। अच्छा, ये सवाल जो है वो श्वेता संघवी जी का है। अभी क्या है, ये सब बहुत ये मार्केट इस लेवल पे है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सब कंपनीज में करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और मैं नहीं वो हिम्मत जुटा पा रहा। थोड़ा वैल्यूएशन अच्छा हो जाए, और इसको मैं पी रेंज पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यूएशन पैरामीटर से हम बात करें तो भी वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव मतलब 50-60% एक्सपेंसिव हो चुका है केईसी इंटरनेशनल। तो इसको करेक्ट होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा कौन जाने, लेकिन इसको करेक्ट होना चाहिए तभी इस पे इन्वेस्टमेंट का कंफर्ट बनेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंफर्ट मुझे नहीं देता। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसका हो सकता है कि इसमें वीकनेस बढ़े टुवर्ड्स 200 DMA तरफ, जब तक ये 745 के ऊपर क्लोज ना हो। जब तक वो नहीं होगा 200 DMA जो इसका 640 के तरफ है, विद सम डिविएशन वहाँ तक होना चाहिए, और फिर वहाँ पे जाके इसको रीअसेस कीजिए कि सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने के कारण आप इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड थोड़ा सा मुश्किल होगा बताओ। जी, अच्छा, इसके आंकड़ों को देखते समय एक दिलचस्प पैटर्न मैंने पाया कि मार्च तिमाही में इनकी बिक्री हर साल ठीक पहले वाली तिमाही से काफ़ी अच्छी हो जाती है, जबकि इस बार तो दिसंबर तिमाही में भी इन्होंने सितंबर के मुकाबले काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई थी। तो अगर इसके ऊपर भी क्या ये मार्च में उसी तरह से तेज बढ़त दिखा पाएंगे, और क्या उसके एंटिसिपेशन में कोई चाल आ सकती है इसमें? मार्च में नंबर्स मार्च ठीक फैक्टर कुछ हैं, काम करता है इनके लिए। मार्च के नंबर्स थोड़े बेटर तो जरूर दिख रहे हैं एज कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर। अगर वो हो भी जाता है राजीव, तो मुझे लगता है वो ऑलरेडी बेक इन है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है इसके लिए। जी, शायद 67 का पी चल रहा है अभी इसका, तो बहुत ज्यादा मूल्यांकन है, तो उस हिसाब से आपको सावधान रहने की जरूरत है। और जो सुमेश ने कहा कि भाई इस समय लंबे अवधि के निवेश के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे स्थितियों में, जो बहुत स्वाभाविक सी बात है,